तो हम बात करेंगे मणिपुर का। मणिपुर जो है बर्निंग फायर कह सकते हैं। जैसे ही जो है यहाँ पर बात की गई मैरीकॉम की, मैरीकॉम ने कहा कि हमारा मणिपुर चल रहा है, उसको आप लोग बचा लीजिए। बचाने की तो बात छोड़ी, कोई वहां पर FIR दर्ज करने को तैयार नहीं था। जब ये घटना हुई थी तो उस समय FIR दर्ज नहीं हुई थी। 4 मई को घटना होती है, उस घटना के बाद लोग इतना जो है दहशत में आ गए थे, इतना वो कह सकते हैं सदमे में थे, इतना उनके अंदर डर सा भर गया था कि FIR दर्ज नहीं करे। उसके लगभग 12 दिन बाद, घटना के 12 दिन बाद जो है 16 मई को FIR दर्ज किया जाता है। लेकिन FIR जो नॉर्मल FIR होता है वो FIR नहीं, वो किया जाता है 0 FIR दर्ज। 0 FIR दर्ज है क्या, उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। 0 FIR दर्ज में होता क्या है कि जो पर्सन FIR दर्ज लिखाने आया है, यानी जो FIR दर्ज कराने आया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं लिखी जाती है कि फला व्यक्ति ने ये रिपोर्ट लिखवाई है, ये यहाँ का निवासी है, ये इनका नाम है, ये इनकी समस्या, ये चीजें लिखी जाती है। वो 0 FIR होती है, उसमें समस्या को केवल बताया जाता है कि ये समस्या है। जैसे ही 16 मई को एक जो है 0 FIR दर्ज हुई, उसके बाद FIR की भीड़ सी लग गई, प्रकार से कह सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 0 FIR दर्ज जो की जाती है, उसमें जो नामजद वाले ने जो FIR दर्ज कराने आता है वो अपना नाम नहीं दर्ज कराता है, ना तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ना एड्रेस, इस प्रकार कुछ भी, ना ही उसके थाने में कराया जाता है, जो उसका नियरेस्ट थाना तो उसमें भी नहीं होती। ये जो ये कह सकते हैं हेडक्वार्टर होता है वहां भी दर्ज की जाती है। उसके बाद हेडक्वार्टर के द्वारा इसको जो नियरेस्ट, यानी जहां का वो एक कह सकते हैं जो पीड़ित है, उसका जो थाना होगा वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा कि ऐसी ऐसी आपके कंप्लेन आई है आपके थाने से संबंधित, उस पर जरा विचार कीजिए, उसके बारे में ढूंढना शुरू कीजिए कि एक्चुअल समस्या क्या है, उसके तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। 0 FIR ही होता है कि उसमें जो FIR दर्ज कराता है, यानी पीड़ित का कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता। अभी ये तो ठीक है, चलिए 0 FIR आपने जान लिया, लेकिन मणिपुर की जो है एक्चुअल जो कंडीशन चल रही है सभी को जानकारी है कि वहां पे मैतेई समाज और नागा और कुकी दोनों में चल रहा है बवाल। जो महिलाओं को आपका 4 मई को निर्वस्त्र घुमाया गया वो जघन्य अपराध में आता है, मतलब माफी की श्रेणी में नहीं आता कि आप ऐसा कोई घटना करो और इसके लिए आप माफी पाओ, ऐसा नहीं। लेकिन है क्या, हमारा संविधान ने ऐसा नियम बनाया, हमारे कोर्ट ने ऐसा नियम बनाया कि भीड़ के ऊपर कंप्लेन नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि भीड़ के ऊपर कंप्लेन नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर 19 जुलाई को जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उसमें से एक पर्सन जो है वीडियो से पूरा क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन कन्फर्म है, 5 लोग यानी जो उसके अलावा 4 लोग और हैं वो भी कन्फर्म हो चुके हैं। यहां तक तो समस्या सबको दिखी, लेकिन जो केवल समस्या ये आ रही है कि अभी उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही। वहां की जो सरकार है वो भी केंद्र में सरकार है, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों एक ही है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट है। फिर भी जो है वहां पर आप कह सकते हैं कि जो अहिंसा चल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे हिंसा फैली हुई है। यानी इतना जो है शांत क्षेत्र रहने वाला, वनों से पूरा भरा हुआ क्षेत्र आज जो है पूरी हिंसा से भरा है, जगह जगह पर आगे चलाई जा रही है, लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। अब होता क्या है, जो मैताई समुदाय के लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमें जो है ST यानी हमें जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। उनकी जो जनसंख्या है वहां पर जो है काफी है, उनकी जनसंख्या जो है तो 10% में, क्षेत्रफल जो उनका है रहने की जो एरिया है वो 10% है, लेकिन उनकी जो संख्या है ना वो संख्या उनकी ज्यादा है। कह सकते हैं कि 9 और 1 का रेशियो चल रहा है, यानी क्षेत्र जो है 10% में है लेकिन उनकी संख्या जो है 90% है, और जो नागा और कुकी वाले हैं वो है तो 90% क्षेत्र पे लेकिन दूर दूर फैले हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है, केवल 10%। अब नागा और कुकी वालों का एक समस्या ये चल रही है कि भाई हमारे यहाँ जो विधायक है ना, जो 60 विधायक उसमें से 40 तो मैतेई समुदाय के आते हैं, फिर उनको क्या चाहिए ST बनने की, ST उनको नहीं बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो ST बन गए तो हमारे अधिकारों का जो है उल्लंघन होगा।
हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, हमें मारा जाएगा। वो कह रहा है वहां पे जो पहाड़ी लोग हैं वो नीचे आ सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र वाले हैं, जो मैदाई समुदाय है, वो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं जा सकते, ना तो वहां पे वो जमीन ले सकते हैं, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया। समस्या ही चली। अब मैतेई समुदाय जो है उसके 40 विधायक हैं 60 में से, और जो अब तक सीएम बने हैं 12 ना, उसमें से 10 केवल किसके रहे हैं? मैतेई समुदाय के। इसलिए मैतेई समुदाय की मेजोरिटी भी ज्यादा हो रही, विद्रोह भी ज्यादा हो रहा। लेकिन इन सारी समस्याओं से अगर हम उभरते हैं थोड़ा सा, तो समझ में ये आता है कि जो ये घटना को अंजाम दिया गया, इसकी क्या जरूरत थी? क्या खुद को आप साबित करके दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है अपनी बात को मनवाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं? सुनने के बाद बस यही लगता है कि हम समाज में हैं क्यों, या वहां पे जो लोग हैं जो इस घटना के शिकार हुए, उनसे आप पूछोगे तो फिर वो बताएंगे क्या? आंखें आपकी मतलब भर सी जाएंगी भाई, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसी घटना हो सकती किसी के साथ। तो इसी घटना के साथ जो है हम लोग यहाँ पे विराम लेंगे।